भारतीय क्रिकेट को एक और सूर्य कुमार यादव मिल गया। दूसरी टीमों के पास एक नहीं होते, हमारे पास दो दो हैं। वो भी 360 डिग्री शॉट खेलती है, विरोधियों के छक्के छुड़ाती है। उसके शॉट देखकर मंधाना ने कह दिया ये हमारी सूर्य कुमार है। कोहली का विराट गुरु मंत्र आया टीम के काम, WPL की पहली जीत आई RCB के नाम। महिला प्रीमियर लीग में बुधवार का दिन RCB के लिए शानदार साबित हुआ। अपने शुरुआती मैच हार चुकी RCB की टीम को पहली जीत नसीब हुई। मैच के पहले पूर्व RCB कप्तान विराट कोहली ने ऐसा गुरुमंत्र दिया कि टीम में जान आ गई। जो RCB टीम अपने पिछले मैचों में बिखरी सी दिख रही थी, उसमें नई जान आ गई और इसके बदौलत RCB को न सिर्फ टूर्नामेंट में पहली जीत मिली बल्कि टीम को एक उभरता हुआ सितारा भी मिल गया। जी, और वो सितारा थी मैच में लगभग 154 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 46 रन बनाकर टीम को मैच जिताने वाली तूफानी बैटर कनिका आहूजा, जिसे मैच समाप्त होने के बाद कप्तान मंधाना ने कहा वो हमारी 360 डिग्री प्लेयर है। आपको बता दें, बुधवार को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए UP वॉरियर्स और RCB के बीच मैच में RCB ने UP की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में RCB की पहली जीत थी। इस जीत के साथ RCB की टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। RCB की जीत में 20 साल की कनिका आहूजा का अहम योगदान रहा। उन्होंने इस मैच में शानदार पारी खेली। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कनिका आहूजा ने इस मैच में 30 गेंदों पर 153 के स्ट्राइक रेट से 46 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया। उनकी इस पारी ने RCB को टूर्नामेंट में पहला अंक हासिल करने में मदद की। स्मृति मंधाना ने मैच के बाद टीम के स्टार खिलाड़ी कनिका की भी तारीफ की और कहा कि वो एक 360 डिग्री खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट में कुछ खास करने वाली हैं। कनिका आहूजा की बात करें तो पंजाब के पटियाला में जन्मी कनिका बचपन से ही स्केटिंग में हाथ आजमाना चाहती थी। उन्होंने स्केटिंग में नेशनल स्तर तक के टूर्नामेंट तक में हिस्सा ले रखा है। कनिका को क्रिकेट की ओर मोड़ने में उनके कोच का अहम योगदान रहा। स्कूल में कनिका के कोच ने उन्हें क्रिकेट खेलने पर ध्यान देने को कहा। इसके बाद से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और इस खेल में आगे बढ़ती चली गई। आज इस खेल ने उन्हें पूरे देश में रातोंरात मशहूर कर दिया। कनिका ने 20 साल की उम्र में जो हासिल कर लिया वो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के बस की बात नहीं। कनिका को पंजाब का भरोसेमंद ऑफ स्पिनर बल्लेबाज माना जाता है। उन्होंने अलग अलग ग्रुप स्तर पर पंजाब का प्रतिनिधित्व किया है और U16 और U19 में राज्य की टीम की कप्तानी भी की है। कनिका आहूजा नॉर्थ जोन की टीमों की नियमित सदस्य बन चुकी है। वो महिला टीम के सदस्य थी जिसने 2022-23 सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी का खिताब जीता था। आपको बता दें, RCB ने WPL में 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में कनिका आहूजा को 35 लाख रुपए में खरीदा था। वहीं मैच की बात करें तो इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए UP टीम ने 19.3 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर 135 रन बनाए थे। टीम की ओर से ग्रेस हैरिस ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए थे। आसान लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी बैंगलोर टीम ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 136 रन बनाते हुए जीत हासिल कर ली। टीम की ओर से कनिका आहूजा ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। जीत के साथ RCB की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, लेकिन उन्हें WPL 2023 के प्लेऑफ में जाने के लिए किस्मत और मेहनत दोनों के भरोसे रहना होगा। आपको बता दें कि उन्हें अगले राउंड में जाने के लिए अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीतने होंगे। वहीं UP वॉरियर्स को अपने बचे हुए सभी मुकाबले हारने होंगे। RCB के लिए ये काम आसान नहीं होगा। RCB को आने वाले मैचों में मुंबई इंडियंस का सामना करना है। मुंबई की टीम ने अभी तक WPL 2023 में एक भी मैच नहीं गवाया। ऐसे में उनके लिए मुंबई की चुनौती आसान नहीं होगी। जीत के अलावा RCB की टीम को अपने नेट रन रेट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि गुजरात जायंट्स अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में 1-2 भी जीत जाती है तो क्वालिफिकेशन नेट रन रेट के आधार पर तय किया जाएगा।